हाय, आज हम बात करेंगे नुसरत जहान के बारे में। जी हाँ, नुसरत जहान बंगाली टीवी एक्ट्रेस के साथ साथ टीएमसी की एमपी भी हैं। नुसरत जहान ने 26 अक्टूबर को एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। इस न्यू बॉर्न बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट में उन्होंने फादर की जगह पर यशदास गुप्ता का नाम लिखवाया है। जी हाँ, कुछ दिन पहले ही यशदास गुप्ता और नुसरत जहान के संबंधों को लेकर काफी अफवाहें उड़ रही थी। कई बार इन दोनों को एक साथ स्पॉट भी किया गया है। आपको बता दें, 2019 में नुसरत जहान ने तुर्की में बिजनेसमैन निखिल जैन के साथ शादी की थी। इस शादी में दोनों के संबंध अच्छे नहीं रहे और ये शादी काफी दिनों तक नहीं टिक पाई, जिसके बाद दोनों अलग हो गए थे। अलग होने के बाद से ही निखिल जैन ने नुसरत जहान पर इस बात का आरोप लगाया था कि शादी से पहले ही उनका अफेयर चल रहा था। ठीक उसके कुछ समय बाद ही नुसरत जहान की प्रेगनेंसी की खबर सामने आई थी, जिसके बाद उनके होने वाले बच्चे के पिता के नाम पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नुसरत जहान से जब ये सवाल पूछा गया कि उनके बच्चे के पिता का नाम क्या है, तो उन्होंने जवाब देते हुए ये कहा था कि किसी से भी इस तरीके के सवाल कर उनके कैरेक्टर पर उंगली उठाना और दाग लगाना काफ़ी आसान बात है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि तुर्की में 2019 में निखिल जैन के साथ हुई उनकी शादी भारत में गैरकानूनी है। जी हाँ, उन्होंने इस शादी को गैरकानूनी करार कर दिया था और इसके बाद नवंबर 2020 में दोनों अलग हो गए थे। फिलहाल अपने बच्चे के पिता का नाम सामने लाते हुए नुसरत जहान ने अपने न्यू बॉर्न बेबी के बर्थ सर्टिफिकेट में फादर के नाम की जगह पर यशदास गुप्ता का नाम दिया है। उन्होंने अपने बेटे का नाम ईशान जे दास गुप्ता रखा है।